झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज कांग्रेस भवन रांची में शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने वीर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, साथ ही कहा कि आज ही के दिन आजादी का बिगुल फूका गया था। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष ने। और उसमें हम सब शहीदों को नमन करते हैं और आप सब जानते हैं कि किस तरह से आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, कांग्रेस पार्टी ने लड़ने का काम किया और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए ये लड़ाई आगे भी लड़नी, क्योंकि जिस तरह से देश में हालात बने हम कह सकते हैं कि आज एक बार फिर से हम लोगों को देश को आज़ाद तो करा लिया है, देश की आज़ादी को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है और उस निमित्त आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि जो हमने संविधान दिया है, जो हमने देश दिया है, उसको बचाए रखें। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।